तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपका एमवी कलेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में लॉन्च हो रहे हैं दो नए क्लास जी बोर्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा क्लास जी 2208 था, जो कि 4 MOSFET में होता है, जब ये बोर्ड आपका डबल 18 इंच की बेस चला सकता है, जो कि एक क्लास जी 2208। तो भाई आप सोच सकते हैं कि ये जो दोनों बोर्ड हैं ये क्या धमाल करने वाले हैं। जैसे कि ये 10,000, ये हमारा 5,000 वाट बोर्ड है, क्योंकि इसमें लगे हुए हैं 10 MOSFET। तो लगभग एक MOSFET जो है 500 वाट का होता है, तो ये आपको 5,000 वाट तक आउटपुट प्रॉपर दे सकता है अगर आप इसमें अच्छी सप्लाई देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर रखा हुआ है एक और नया बोर्ड, जो कि है हमारा 6 MOSFET के अंदर, एमवी कलेक्शन ब्रांड के अंदर। तो भाई एमवी कलेक्शन अगर बोल दिया तो उसके बाद हम क्वालिटी की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी के बाद इसके कनेक्शन वगैरह सारा कुछ समझाएंगे, क्योंकि किसी भी बोर्ड को चलाने के लिए उसको बोर्ड को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ज़्यादा से भी कनेक्शन गलत करते हैं या तो आपको आउटपुट अच्छा नहीं मिलेगा, या फिर आप बोर्ड को खराब भी कर सकते हैं। तो बाकी हमने इसमें काफी सारी चीजें डाल दी हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को भाई पूरा जरूर देखना है आपको। तो जैसे कि यहाँ पर बोर्ड है, तो आप देखेंगे कि 10,000 वाट में जो कॉइल है यहाँ पर डबल माइक्रोमेटल हो जाती है, और आपको कॉइल का साइज जो है कितना ज़्यादा इंक्रीज होता है। सॉरी, ये 5,000 वाट एम्पलीफायर है, तो मुझसे कई बार 10,000 वाट निकल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपकी डबल वाली कॉइल लगी हुई है। इसी तरह से जो आपका ये 6 MOSFET में है, इसमें भी डबल कोर वाली कॉइल मिलती है, जो कि बहुत शानदार जो आपको लुक जो है दिख ही रहा होगा अलग ही। तो जिस तरह से इसका लुक है, उसी तरह से इसकी पावर होने वाली है। तो अब यहाँ पर आप बात करते हैं कनेक्शंस की, किस तरह से आपको कनेक्शन करने हैं इस 5,000 वाट के क्लास जी एम्पलीफायर बोर्ड में। तो 5,000 वाट से आप समझ सकते हैं कि आप इसमें एक ही बोर्ड में डबल 18 की दो बेस चला सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि ट्रॉडल भाई अच्छा होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। अगर आप हमसे ही लेते हैं तो आपको उस चीज़ की गारंटी मिलती है कि हाँ जी, ये चीज़ जो हमने बोली गई है वो चीज़ वर्क करेगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर कनेक्शन आपको बता देते हैं, धीरे धीरे समझाना शुरू करते हैं, क्योंकि इसे कनेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास जी हर कोई नहीं चला पाता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि इसमें 3 तरह की सप्लाई देनी पड़ती है। एक यहाँ पर स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए आपको 0.12 देनी पड़ती है एसी, ठीक है, एसी वोल्टेज यहाँ पर देना होता है। इसी तरह से यहाँ पर आपको जो हमारा ओसीपी सेक्शन होता है, ओसीपी सेक्शन में भी आपको यहाँ पर 12 वोल्ट देनी होती है। तो भाई ये जो फ़र्क आया है ना, ये फ़र्क मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि हमारा ये जो 5,000 वाट का बोर्ड है और ये जो 3,500 से 4,000 वाट तक का बोर्ड है, इस बोर्ड में क्या है कि हमने चेंजेस कर दिए हैं। चेंजेस क्या करें, जैसे कि हमारा 2200 वाला बोर्ड था, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ कस्टमर जो थे उन्होंने क्या करा, ग्राउंड और 12 वोल्ट इसमें उल्टा दे दिया। तो उल्टा देते ही जो रेजिस्टेंस वगैरह हैं कुछ जलने लग जाते हैं, क्योंकि भाई उल्टे कनेक्शन होंगे, किसी भी चीज़ में उल्टे कनेक्शन जाएंगे तो बोर्ड को वो ख़राब ही करते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ से बचाने के लिए एमवी कलेक्शन ने इसमें चेंज कर दिया है। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि उस चीज़ को याद रखना कि जो भी 2200 वाट या 900 वाट ले रहा है बोर्ड, उसमें आपको डीसी वोल्टेज ही देना है यहाँ पर ग्राउंड और प्लस 12 देखकर। लेकिन जो भी यहाँ पर इसको 4,000 वाट और 5,000 वाट के क्लास जी एम्पलीफायर बोर्ड लेता है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको लगा दिया गया है, यहाँ पर एसी कर दिया गया। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 7812 एसी लगी हुई है, यहाँ पर आपको यहाँ पर 0.12 एसी देना है। अब प्लस माइनस का सारा झंझट ही खत्म कर दिया भाई, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, बोर्ड भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एसी वोल्टेज देना है। और एक चीज़ और मैं इसमें बता देता हूँ कि भाई इस चीज़ में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी 0.12 देना है आपको, और एक 0.12 आपको यहाँ पर भी देना है, एक OCP के लिए, एक स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए। तो भाई दोनों में आपको जो वाइंडिंग यूज़ करनी है वो अलग अलग यूज़ करनी है। ऐसा नहीं करना कि एक ही 0.12 तार में से निकाल कर दोनों तार इसमें और इसमें लगा दिए, क्योंकि दोनों में 0.12 ही तो देनी है, दोनों एक ही तार से दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों की वाइंडिंग अलग अलग होनी चाहिए, दोनों का पावर सोर्स अलग अलग होना चाहिए, वरना वो आपस में शॉर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, जिससे कि बोर्ड की लाइफ बनी रहे। तो यहाँ पर आपको अलग वाइंडिंग से देना है 0.12, यहाँ से अलग वाइंडिंग से देना है। अब बात करते हैं ये प्रोफेशनल बोर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल बोर्ड क्यों है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारा सेक्शन हो जाता है आपका, ये ड्राइवर सेक्शन हो गया, ये आपका MOSFET सेक्शन हो गया, और यहाँ पर स्पीकर प्रोटेक्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक अलग से आपको सेक्शन दिख रहा होगा, जो कि है आपका गेन बूस्टर सेक्शन, जो कि हर एक एम्पलीफायर में होता है, हर एक प्रोफेशनल एम्पलीफायर में होता है, जो भी बैक प्लेट होती है उसमें लगा होता है। लेकिन वो चीज़ इसी में ही डाल दी गई है, इतना सेक्शन जो है आपका गेन बूस्टर सेक्शन है। तो लेकिन जब आपके पास डिफॉल्ट में जो बोर्ड आता है, उसमें आपको ग्रीन वायर यहाँ पर देख रहे हैं, आपने वायर जंप कर रखी है, क्योंकि इस गेन बूस्टर सेक्शन को चालू करने के लिए यहाँ पर आपको देना पड़ता है प्लस ग्राउंड माइनस डीसी वोल्टेज देना है आपको 12 प्लस और ग्राउंड और माइनस 12 यहाँ पर आपको वोल्टेज देना पड़ता है, तब जाकर ये जो गेन बूस्टर सेक्शन है ये चालू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप प्लस माइनस 12 वोल्ट देंगे तो ये गेन बूस्टर सेक्शन चालू हो जाएगा, और आपको यहाँ पर इनपुट देना है और यहाँ पर आपको वॉल्यूम देनी है। तो अभी क्या है, जब आपके पास बोर्ड रिसीव होता है, जब भी आप जो भी बाय करेगा उसको सीधा यहाँ पर इनपुट देना है, आपका बोर्ड चलने लग जाएगा। लेकिन अगर आपको गेन की कमी लगती है कि जी मेरे को गेन कम आ रहा है सर, मेरे को गेन ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर आपको 12 प्लस माइनस ग्राउंड, मतलब आपको डीसी में 12 यहाँ पर देनी है डीसी वोल्टेज,
तो आपका गेन बूस्टर सेक्शन ऑन हो जाएगा और आप इस वायर को जो है वो निकाल देंगे बाहर। तो उससे क्या होगा, आपका गेन बूस्टर सेक्शन ऑन हो जाएगा और आपको बहुत ही तगड़ा आउटपुट मिलेगा। जैसे कहते हैं ना भाई, धरती हिल जाएगी अगर अच्छा ट्रांसफॉर्मर अच्छे स्पीकर लगाओगे तो। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा ये क्लास जी 6 MOSFET वाला भी है। इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पर आपका लगा दिया गया है, यहाँ पर मैंने AC वोल्टेज दे रखा है, यहाँ पर इसमें भी ये सेक्शन लगा दिया गया है, IC लगा दी गई है जिससे कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये थी बात इसकी। तो मैंने आपको सारे कनेक्शन लगभग समझा दिए हैं, प्लस माइनस भी बता देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है 110 वोल्ट, -110 वोल्ट, +110 वोल्ट। तो आप इसको 110 से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं बड़े प्यार से। और यहाँ पर स्पीकर आउटपुट है या ग्राउंड है दोनों, तो यहाँ पर सप्लाई का ग्राउंड देना है, यहाँ पर आपको देना है -110 वोल्ट, यहाँ पर देना है +110 वोल्ट। तो ऐसा नहीं है कि आपको 110 वोल्ट ही देना पड़ेगा, आप इसको 60-60, 70-70 ट्रांसफॉर्मर से भी चला सकते हो, 50-50 से भी चला सकते हो, बस उसके एम्पियर अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल आउटपुट चाहिए बिल्कुल, तो कम से कम इसमें 100-0-100 आप देंगे तो आपका बहुत, मतलब 100-0-100 DC की बात कर रहा हूँ मैं, 110 तक भी आप दे सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तब आपको और ज़्यादा प्रोफेशनल, और ज़्यादा क्लियर, और ज़्यादा पावरफुल साउंड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो अब इस बोर्ड को रख देते हैं साइड, हमने जिसमें कनेक्शन कर रखे हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आप जानते ही हैं कि आप MV कनेक्शन से बाय कर रहे हैं, आप जानते हैं कि ये नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, काफ़ी सारे लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर क्वालिटी की बात करेंगे तो हर एक कंपोनेंट को जिस तरह से लगाया हुआ है और जिस क्वालिटी का हर एक कंपोनेंट, सारे 1% घुराल के रेजिस्टेंस यूज़ करे गए हैं, सारे कैपेसिटर जो है केल्ट्रॉन के हैं, जो केल्ट्रॉन नहीं है वो सेमवा का है। यहाँ पर भी आप देखेंगे सारे सेमवा के इतने बड़े बड़े कैपेसिटर लगा रखे हैं। ये क्वालिटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, आप पूरे इंडिया में से बोर्ड मंगा सकते हैं। इस चीज़ का मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप बोर्ड मंगाएं, आप MV कलेक्शन का बोर्ड बगल में रखें और दूसरी साइड रखें, दूसरी भी कोई अगर बना रहा है तो उसका बोर्ड अगर आप रखेंगे तो आपको फ़र्क जो है असली चल जाएगा, पता कि क्या चीज़ MV कलेक्शन है और क्या चीज़ लोग दे रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर गुड स्काई की भी रिले लगी हुई है, तो भाई ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, तो फिर भी जो बोर्ड है हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट पर आने वाला है, आ ही गया है, आप इसको बाय कर सकते हैं आज से, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी आपको ये अवेलेबल करा दिया गया है। ये 6 MOSFET भी, 10 MOSFET भी, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं इसको। तो इसको रख देते हैं साइड, अब थोड़े से आ जाते हैं टेस्टिंग की तरफ। तो आपको इस तरह से LED के कनेक्टर इसको बनाकर दिए जाएंगे साथ में, ये आप देख रहे हैं सारी LED के कनेक्टर्स हैं। मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए ये क्या, ये आपका जैसे हम स्पीकर प्रोटेक्शन ऑन करते हैं, ये देखिए ये प्रोटेक्ट मोड, अब ये पावर में आ जाएगा, ये आ गया पावर में। तो इस तरह से आपको LED के कनेक्टर साथ में मिलता है लगा हुआ। तो अब इसको बोर्ड को पावर ऑन करते हैं और हमने यहाँ पर चला रहे हैं, देखिए मॉड्यूल चला रहे हैं, कनेक्शन में आपको समझा ही दिया था। अगर आपको गेन बूस्टर यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको DC वोल्टेज देनी है और यहाँ पर आपको वॉल्यूम टोन लगाना है, तब जाकर आपका गेन बूस्टर वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो भी ऐसे चला रहे हैं, जिनको लग रहा है कि ऐसे में भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो ऐसे भी चला सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो अब इसमें थोड़ा सा हम सॉन्ग प्ले करके दिखा देते हैं। कनेक्शन आप देख चुके हैं, यहाँ पर देखिए प्लस दे रखे, माइनस दे रखे, ग्राउंड दे रखा है, यहाँ पर आता है स्पीकर आउटपुट। तो अभी हम थोड़ा सा इसको चला कर दिखाते हैं जिससे कॉपीराइट ना आए। तो भाई बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है बोर्ड। अब करेंगे इसकी पावर ऑन करते हैं, इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट और इसको प्ले करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह का आउटपुट इसमें आता है। तो थोड़ा सा ही सुनाएंगे, मैं यहाँ से पावर ऑन कर लेता हूँ, मैंने पावर ऑन कर ली है, अभी भी मैं सीरीज़ में ही चला रहा हूँ, तो सीरीज़ में भी बिल्कुल भी बल्ब नहीं जलाता है ये, इतना अच्छी जो इसकी क्वालिटी होने वाली है। तो अब इसको मैं चला कर दिखाता हूँ सॉन्ग। तो आपने देख लिया होगा कि भाई कितनी एकदम फ्लैट साउंड आ रहा है, एकदम परफेक्ट साउंड आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम टॉप पे यूज़ करते हैं क्लास जी को तो ज़्यादा अच्छी आवाज़ नहीं आती है, तो ये चीज़ सिर्फ कहने वाली है, ऐसा नहीं है। आपको एक डिसेंट, एक ठीक ठाक सा बढ़िया आउटपुट आपको मिल जाता है टॉप पर भी, बाकी बेस पर तो भाई इसकी परफॉर्मेंस का कोई जवाब ही नहीं है। बेस पर तो इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस आने वाली है आपको कि आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, आपको जो चीज़ मैंने बोल दी है। तो यहाँ पर ये तीनों बोर्ड रखे हुए हैं, ये देखिए, तो आपको साइज़ में भी फ़र्क दिख रहा होगा यहाँ पर। और एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें भी तीन मॉडल हैं, तीनों में ही एक इसमें है जिसमें लगा हुआ है IRF 260 और एक IRF 4668 और एक हमारा जादू वाला MOSFET। ठीक है, तो तीनों में से आप कोई सा भी परचेज कर सकते हैं, तीनों में प्राइस का डिफरेंस आएगा क्योंकि तीनों में वाटेज और क्वालिटी का भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो अभी ये जो बोर्ड है IRF 260 में, जो कि सबसे सस्ता मिलता है आपको बोर्ड IRF 260 के अंदर, 4668 में उससे महंगा आता है क्योंकि 4668 जो MOSFET है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है और पूरे ही इंडिया में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है इस टाइम पर। जो ओरिजिनल चीज़ है वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल से हमें
भी मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जादू मॉस्फेट है जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसमें ये 5000 वाट से लग भी ऊपर दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये आउटपुट जो आता है वो तभी आएगा जब आप अच्छा ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो ट्रांसफार्मर अगर आप एमवी कलेक्शन से ही परचेज करते हैं तो आपको अलग ही फर्क दिख जाएगा, क्योंकि हम इसके हिसाब का ही ट्रांसफार्मर आपको अच्छा से अच्छा बनाकर दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जिस इसको वीडियो पसंद आती है अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो नीचे कमेंट जरूर करना भाई कि आई लव एमवी कलेक्शन, क्योंकि अभी भी अगली वीडियो में भी एक जो जानदार बोर्ड था वो भी रिलीज होने वाला है। तो जो एंड तक वीडियो देखते हैं भाई उनके लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं कि अगली वीडियो में बहुत ही शानदार वाला बोर्ड जो सबका इंतजार था, जिसको हम 3 महीने पहले वीडियो में दिखा चुके हैं, जिसकी टेस्टिंग हो चुकी है पूरी, तो वो बोर्ड भी आ जाएगा। तो भाई जो जो एमवी कलेक्शन लाइक करता है नीचे लिख दो आई लव एमवी कलेक्शन,